दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो. वी नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर आर वेज ऑफ सॉल्विंग इट. वन वे ऑफ सॉल्विंग इट इज फैक्टराइजेशन, व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फैक्टराइज. अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. And another way of solving it is by the directly using the formula. Now the fact is this, that we will talk about completing the square later on. I will talk about directly using the formula right now. In directly using the formula, what is there? Suppose you have ax square plus bx plus c equals to 0. Then x ka answer is always minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. This is also known as either Acharya formula or quadratic formula. X should be equals to minus b plus root over b square minus 4ac divided by 2a. This is one root, and the another root or the another solution, as you know, it is a quadratic equation. There should be two solutions. The another solution is minus b minus root over b square minus 4ac divided by 2a. Yes? So one is minus b plus b square minus root over, one is minus b minus root over b square minus 4ac. So this gives you two answers. Together I have combined it and written plus minus like this. So if from now on, if a quadratic equation is given 2x square plus 4x plus 3 is equals to 0, please solve it. You might not be required to do any kind of factorization or completing the square. You just can use this formula and can find out the two roots, both the roots. Is this clear to you? But from here, do you think that in your board exam they are very, so very kind to you that they will give you a question? Listen, children, 2x square plus 4x plus 3 equals to 0 is a quadratic equation. And you please find out the roots using the formula, quadratic formula, or all be kind, okay, the formula will likh dega. This is the formula. Put and use. तो क्या बात है इसमें माइनस पुट करना है, बी के जगह में माइनस फोर पुट करना है. ओ अच्छा, यहाँ पे एक माइनस डालता हूँ, यहाँ पे एक माइनस डालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है. अच्छा चाहिए माइनस पुट करना है, माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, माइनस पुट करना है. माइनस बी, बी है माइनस फोर, यानी माइनस फोर पुट करना है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी. फोर इंटू ए है टू, ठीक है टू, और सी, सी है माइनस थ्री. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू इंटू टू. बस आपको अब इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, कैसे ले लेना है कैसे ले लेना है. लेकिन सीबीएसई थोड़ी ना उतना काइंड है. सीबीएसई क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है मैं तुमको बताता हूँ. एक्चुअली ना ये जो रूट ओवर के अंडर में है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है देखो मैं बता देता हूं. डिस्क्रिमिनेंट जो डी है, ये डिस्क्रिमिनेंट डी हमको दिखाता है ऐसे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फॉर आर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये अगर, ये डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो होगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स. बता दे रहा हूं इसका मतलब क्या है. अगर डी लेस देन जीरो होगा तो होगा अनरियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स और अगर डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो होगा रियल एंड इक्वल रूट्स. सर ये क्या बात हो गया, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि तुमको पूरा सॉल्यूशन निकालने, पूरा एकदम रूट्स क्या है, आंसर क्या है, थ्री फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स या फिर फोर रूट टू थ्री रूट टू, दो आंसर आते हैं ना, वो दो आंसर्स क्या है वो निकालने के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन आंसर्स कैसे होंगे, आंसर्स मतलब रूट्स
कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ द रूट्स। एंसिड्स क्या है, उसका नेचर क्या होगा, वो जानने के लिए, दैट इफ यू वांट टू नो, वो जानने के लिए डी ही काफी होता है। डी खुद ही बता देगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। सर कैसे बता देगा, देखो मैं बताता हूं कैसे बताएगा, इसको मिटाते हैं। अगर मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और मैं x निकालता हूं, एक है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, और दूसरा कॉमा देखे माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, अगर ये दोनों मेरे को मिल रहा है तो ये रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसको मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर में डी है। एक्चुअली ये डी का नेचर, तो पहला पॉइंट क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे भी और यहां पे भी रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac है कि नहीं, यानी सामने बड़ा नंबर है पीछे छोटा नंबर है, यानी अंदर में पॉजिटिव नंबर आए, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर आए चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसा आंसर हो ही सकता है, 3 प्लस रूट ओवर 5, 3 माइनस रूट ओवर 5 हो सकता है ऐसा आंसर, या फिर 3 बाई 2 प्लस रूट ओवर 6, 3 बाई 8 माइनस 8 बाई 9 रूट ओवर 5, सामने माइनस हो सकता है, माइनस 5 रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 2 सॉरी रूट ओवर 2 माइनस 6 रूट ओवर 3 ऐसा आंसर हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा आंसर हो सकता है 2 प्लस 3 रूट 5, 3 माइनस 5 रूट 5, कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो रूट ओवर का आंसर है वो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट से आ रहा है, यस और नो, और जब वो डिस्क्रिमिनेंट से आ रहा है तब इस रूट के नेचर के ऊपर, नंबर के नेचर डिपेंड कर रहा है कि the roots of the equation or the solutions of the equation are real numbers, because root over भी irrational होने से भी real ही होता है, so that's why बोला है real and unequal, और दोनों unequal होंगे, एक ही number को plus करोगे b के साथ minus करोगे b के साथ तो unequal roots आएगा ना। Is this clear to you? इस बात को और अच्छे से समझ में आता है अगर हम इस वाले situation को ले कि d is less than 0, मतलब b square minus 4ac is less than 0, मतलब b स्क्वायर इज लेस देन 4ac, तो अगर b स्क्वायर इज लेस देन 4ac तो तुमको नहीं लगता अंदर में नेगेटिव नंबर आएगा, रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर आएगा, ये सुनो, रूट के अंदर में क्या नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, यानी क्या होगा, ऐसे आंसर्स होंगे 5 माइनस रूट 2, 6 माइनस रूट 3, 2 प्लस 3 रूट ओवर माइनस 5, ऐसे कुछ टाइप ऑफ आंसर्स होंगे, जो मतलब रूट के अंदर माइनस माना ही नहीं जा सकता, अगर रूट के अंदर माइनस चला जाए वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इन नंबर्स को ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, दूसरे तरह से किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखा ही नहीं जाता है इसको, इज दिस क्लियर टू यू, गलत ही हो गया लिखना, एनीवे वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, याद रखना रूट ओवर ऑफ माइनस वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई, आयोटा करके डिनोट किया जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, मतलब अनरियल नंबर बन जाता है, तो इसीलिए d कभी भी स्मॉलर देन 0 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट है, अनरियल रूट्स है, आया समझ में, एंड d कभी इक्वल्स टू 0 बन गया तो सर तो मजे ही मजे हैं, d अगर इक्वल्स टू 0 है तो तू सोच x इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई टू ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस रूट ओवर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हटा दे, आंसर ही हो जाएगा माइनस बी टू बाई, मतलब दो आंसर होते हैं तो दो बार लिखेंगे माइनस बी बाई टू ए, तो हुआ ना रियल एंड इक्वल रूट्स, आया मजा, तो कभी कभी क्या क्वेश्चंस पूछ लेता है, डायरेक्ट एक इक्वेशन देता है थ्री रूट फाइव माइनस एट एक्स, थ्री रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, बताओ इसका रियल है अनरियल है क्या है,
तो तुमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम सोचोगे सर सॉल्व करेंगे आंसर लाएंगे फिर पता चलेगा ना नंबर टू रियल है अनरियल है कॉम्प्लेक्स है घंटा। डी का वैल्यू देखो, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो बता दो, अगर लेस देन जीरो आ रहा है बता दो, अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है बता दो, तुमको तो रूट ढूंढने के लिए नहीं बोला है। हाँ, अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहां पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं 5x² - kx + 2 = 0, दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, बोल दिया मुंह से बोल दिया कि इसका रियल एंड इक्वल रूट्स है, k का वैल्यू निकाल के दिखा भाई, तो भी पॉसिबल है। क्या करना है, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू जीरो पकड़ो, मतलब रूट ओवर b² - 4ac = 0 पकड़ लो, मतलब रूट ओवर -k² - 4a क्या है 5 है और c है 2 = 0, तो k² - 4, 5 = 20, -40 = 0, k² = 40, k = √40, √40 को सॉल्व करके वही वैल्यू है k का, ऐसे कर सकते हो। सर अगर बोल दिया कि अनरियल रूट्स तब तब डी स्मॉलर देन लेस जीरो देके करना, लीनियर इक्वेशन डी ग्रेटर देन जीरो लेकिन कम देता है वैसा, अगर बोलेगा कि अनइक्वल है तो क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके करना, लेकिन वैसा कम देता है। इसी तरह के एग्जाम्पल सब कुछ करेंगे, ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से खुद को करना है ना, तो चलो एग्जाम्पल्स निकालते हैं, बंद करो।